सो गाइस, आप टाइम देख सकते हो, मैं उठी थी 4 बजे और अभी बज रहे हैं 5:30 सुबह के। ठीक है, और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। मतलब मॉर्निंग में तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि है ना 9 बजे के बाद में मतलब किचन बिजी रहती है, मतलब काम पे काम काम पे काम, इसलिए फिर दिन में थक जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही सफाई होगी इसकी, हेज़ल भी डिस्टर्ब नहीं करती है, सो रही है, और सफाई भी हो जाएगी। तो ये बॉक्स आज मैं ये सोच रही हूँ कि ये पूरा यहाँ तक मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये देखो, ये एक तो कर दिया पूरा अच्छे से, इसके बर्तन वगैरह सारे धो दिए, अब इसको पोंछ पोंछ के सिर्फ रखना है। तो मैंने सोचा शूट भी कर लेती हूँ, ठीक है। और हमारे मम्मा भी फ्रेश होके आ गए। गुड मॉर्निंग मम्मी। मैं यही पहुंच रही थी अभी, फिर मेरे को मेरा फ़ोन दिखा, मैंने सोचा चलो शूट तो कर लेते हैं, गाइस को दिखाते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है कम ही शूट करती हूँ। तो गाइस अब हम लोग चले और ब्लॉग के ज़रिए आपको सब दिखाया जाएगा, स्किप किए बिना पूरा देखो। हम लोग सास बहू करेंगे आज सफाई किचन की। ये तो मम्मा सूखने दो अभी, नहीं नहीं सूख चुके हैं तो मम्मा, 2 मिनट में सूख गया। अरे वाह। सो गाइस देखिए, धूप निकल के आ चुकी है और मैंने देखो ये पूरा यहाँ तक ये ब्लॉक साफ कर दिया। अभी तक तो यही हुआ है, मतलब हम लोग 4 बजे लगे थे, 4 से अभी टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ कितना हुआ है। टाइम देखिए आप, क्या टाइम हो रहा है, ये 8:15, ठीक है। और बीच में सिर्फ टी ब्रेक लिया था हमने और कुछ नहीं था, मतलब सुबह चाय पी, फिर देन बीच में एक बार चाय पी, उसके बाद मैं सारा करके, आप पता है ये तो मैंने कर दिया पूरा, अब या कल सुबह मैं उठ के ये सारा करूँगी। बट इनमें ऐसा कुछ है नहीं, कुछ खास लाइक बर्तन ही है, देख सकते हो आप, लेकिन ये साइड में इनको पहुँचना वगैरह, ये देखो। अब मैं इसमें प्लास्टिक लगवाऊंगी, मतलब ये है ना गस्टिक लगवाऊंगी, ठीक है। तो कल ये काम रहेगा ऐसा, इसमें कुछ ज़्यादा जोर नहीं आने वाला, मुझे जोर तो इन्हीं में आया था क्योंकि इनमें डब्बे वगैरह थे। फिर जैसे कि मेरे को 3 दिन लग जाएंगे इसमें, ये तो कर दिया, ये हो जाएगा 1 दिन में, और 1 दिन में मैं खिड़की और ऊपर वाला सिस्टम, उसमें है ना मसाले हैं गाइस, तो उसको क्या खुला रखना चाहिए, क्योंकि पूरे 12 महीने का एक साथ ही ले लेते हैं पापा, तो उस वजह से वो पूरा मसाला का सिस्टम है। तो 1 दिन में तो वो लगेगा मुझे, 1 दिन ये सिस्टम, और 1 दिन मुझे ये सिस्टम लगेगा। तो 3 दिन में हमारी पूरी किचन एकदम टन हो जाएगी, और वो सिस्टम सारा उठाएंगे इस बार, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि पापा ये सिस्टम, लाइक हमारे घर में है ना अचार कोई नहीं खा रहा है, तो अब ये किसी मतलब जिसको आवश्यकता है इस चीज़ की उसको देंगे हम। और अपना दूध पीने वाली हूँ। मामा आप सो रहे थे ना, आप क्या हुआ, उठ कैसे गए? मामा दूध, मामा दूध खा रखा आपने? सो अभी हम लोग निकले हैं, हम यहाँ से क्यों निकल रहे हैं पहले तो ये बताइए आप मुझे। ये देखो इधर दोनों एकदम कॉपी लगते हैं ना। तो सो गाइस आपको एक चीज बतानी है मुझे, बहुत ही इंसल्ट वाली चीज है, लेकिन मैं बताऊंगी, उसमें मेरी बहुत इंसल्ट होगी लेकिन मैं बताऊंगी वो आपको। एक्चुअली ये था तो मुझे ऐसा लगा ये टैग है, और ये क्या टैग लटका लिया इन्होंने, क्या ये क्या क्यों कराई, ये बहुत ही गंदा लग रहा है, इसको क्या टैग लगाया, कपड़े का उतार के लगा लिया, मुझे भी ऐसा लगा। तो ठीक है, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये इसका परफ्यूम आता है और देन इसको स्प्रे करते ताकि पूरी गाड़ी में खुशबू वगैरह रहे। मैंने सोचा ओके ये होता है, फिर कल मैं और मम्मा जब गए ना आपको बताती हूँ, तो मम्मी भी बोलते ओ काई टाकी है, मैं तो खुद जो लगे शुक्र, मम्मी मैं बोलती मम्मी ओ परफ्यूम है, तो मम्मी कोई 10-15 बारी नहीं है स्प्रे कर लियो, पूरी गाड़ी में तगड़ी स्मेल होगी। स्मेल नहीं बोलते, फ्रिक्वेंस हो गई, लेकिन हम स्मेल भी बोल सकते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है स्मेल, मत तो पूरी गाड़ी में तगड़ी फ्रिक्वेंस हो गई, तगड़ी स्ट्रांग वाली। तो चलो मैं आपको यहाँ बोर कर रही हूँ, मिलते आपको थोड़ा सा आज, मैं थोड़ा सा क्लिप भी ऐड करूंगी हमारे वैशाली वाले फ्लैट का बिफोर एंड आफ्टर। वैसे बिफोर तो मैं, गाइस मैं आपको बाहर से लुक दिखा देती हूँ हमारे फ्लैट का। तो हमारा जो है वो एकदम जो टॉप पे है ना कॉर्नर वाला, कैसे करूँ, मेरे हाथ में क्या सामान है थोड़ा सा, ये है ना इधर सबसे जो ऊपर ये वाला जो फ्लोर है ना, ये वाला इस साइड ये वाली बिल्डिंग, इसमें जो सबसे ऊपर है ना वो कॉर्नर वाला, सबसे ऊपर ऊपर टॉप पे, ठीक है।
ठीक है, जिसमें वो एसी का पाइप बाहर निकल रहा है वो वाला। तो मैं बता देती हूँ ये एंट्रेंस है, ठीक है, और ये पार्किंग का है, नीचे आप देख सकते हो पार्किंग है, ठीक है। तो ये है हमारा गार्ड रूम जिसमें गार्ड जी बैठते हैं, ठीक है, अभी तो नहीं है शायद, वो गए हुए होंगे। इनका सिस्टम, इनकी साइकिल, और ये है एंट्रेंस। तो एंट्रेंस है इसकी यहाँ से, लिफ्ट वगैरह की जो भी है सीढ़ियों की। फिर जल्दी पापा पता नहीं वेट कर भी रहे नहीं कर रहे, चले गए वो तो यार, नहीं कर रहे वेट कर रहे वेट कर रहे, वो गए तो नहीं यहीं पे वेट कर रहे। अरे 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 क्या कर रहा है हिजा, क्या कर रहा बेटा, चिप्स खा रहा है, चिप्स खा रहा है, अरे मेरा क्यूटी पाई, चिप्स खा ले, अरे मैं लगी। तो ये देखो, वाओ ये। सो गाइस कलर हमारा हो गया है, मैं बता देती हूँ आपको, बाद में बताऊंगी थोड़ा सा, पहले मैं भी देख लेती हूँ। सो गाइस वो तो है लिफ्ट, ये है सीढ़ियाँ, और यहाँ से आता है हमारा ये फ्लैट। तो चलो चलते हैं अंदर। तो हॉल की स्पेस बहुत अच्छी है, हमारे वो वाला जो जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं उसकी भी हॉल की स्पेस अच्छी है, और इसकी भी स्पेस अच्छी है हॉल की, ये देख सकते हो आप। और मैं ना आफ्टर एंड बिफोर दिखाऊंगी आपको, पहले सब पे ना वॉलपेपर लगे रहते तो बहुत ही अजीब था, इसलिए मैंने पहले आपको मतलब थोड़ा इतना दिखाया नहीं। तो अभी कलर का काम चल रहा है, बाकी मतलब इनको भरवाया था, पता नहीं क्या क्या सिस्टम करवाया था। और एक ये रूम है हमारा, आप देख सकते हो सब मैं कलर करवा दी हिजल के पापा ने। तो दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ हिजल के पापा ने जो खिड़की थी वो हटवा दी, क्योंकि वो लकड़ी की थी, और अब वो स्लाइड वाली करवाएंगे, यू नो ये वाले ऐसे जो ऐसे स्लाइड वाली होती है। और ये हमारे लेग पाथ है, जिसमें भी अभी पेंट का काम चल रहा है। और चलो मुझे लगता है वैसे दिवाली तक हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से कबूतर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा फोर्थ फ्लोर पे है ना, इसलिए यह हॉल मैंने आपको दिखाई दिया था। यहाँ अभी फर्नीचर का जब काम चलेगा तो टीवी पैनल लगेगा। एक रूम ये है, यहाँ पे एक्चुअली पूरा दीवार वगैरह था, मैं दिखा देती हूँ आपको पास से, यहाँ ना दीवार थी पूरी यहाँ तक, ठीक है, ये इन्होंने ना पूरा फुड़वा दिया, मतलब इतनी ना ऐसे करके यूँ दीवार थी, यहाँ खिड़की थी और यहाँ गेट था, तो दीवार हटा दी, खिड़की भी हटा दी, पूरा खुला करवा के, और देन इसको स्लाइड वाला कर दिया। तो ये भी स्लाइड वाला सिस्टम करवाया उन्होंने, दीवार पूरी फोड़ डाली, गेट तरह सारे तोड़ डाले, जो उस रूम में आपने गेट देखा होगा पड़ा था। ये अच्छी खासी बालकनी है, यहाँ अभी कलर होगा गाइस, इस पर कलर ये पुराना वाला है, देख सकते हो आप, ये पुराना है और ये नया है। अभी जब ये पूरा होगा तो मैं आपको, ये तो बिफोर बता रही हूँ, आफ्टर भी मैं आपको बताऊँगी। तो रेलिंग का पेंट वगैरह सब हो, यहाँ अच्छी खासी एक विंडो थी, इन्होंने मतलब थोड़ा फोड़ी बहुत ही करवाई है, तो यहाँ मतलब बहुत ही गंदा सिस्टम हो रहा था, तो पहले तो सीमेंट से इनको रिपेयर किया, जब उसके बाद में विंडो हटा दी, विंडो हटाने के बाद में यहाँ पे भी स्लाइड वाला करवाएंगे। और पता है यहाँ की मुझे एक सबसे बेस्ट क्या लगी, इतना भैया किचन, मतलब बहुत ही अच्छा स्पेस है, और व्यू देखो आप गाइस, यहाँ पे भी वही विंडो थी लकड़ी वाली जो खुलती है, जो नॉर्मल घर में सब में होती है, आ लग गई। तो यहाँ पे भी वो स्लाइड वाली विंडो लगाएंगे, और इधर भी स्लाइड वाली ही विंडो लगाएंगे, चिमनी की किचन में ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारा फर्नीचर नया लगेगा, अब फर्नीचर का काम चालू होने वाला है, क्योंकि अब कलर पेंट, भैया कितने दिन और रहेगा ये, कितने दिन बाद में, मतलब कितने दिन और लगेंगे इसका पेंट का, है भैया पेंट का कितना टाइम और लगेगा, बस 12 ही लगेगा, हो जाएगा पूरा कंप्लीट, मतलब यार अभी तो पड़ा है खूब सारा, अरे अभी पूरा ही हो जाएगा, अभी तो गेट के कलर भी तो बाकी है, मैं शाम तक पूरा करके जाऊंगा। अच्छा चलो भैया, तो चलो ये मैंने आपको थोड़ा सा छोटा सा टूर करवा दिया, अभी तो ये आफ्टर का, मैं बिफोर का भी करवा दूंगी आपको बहुत जल्दी। तो चलो चलते हैं हेजल पापा के पास, ये ले दोनों, क्या कर लियो ईजा, क्या खा लियो, वो जस्ट घर आए और रास्ते में क्या जशवी का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल, तो उससे बात करने लगी थी मैं, इसलिए थोड़ा शूट नहीं कर पाई। तो ऋषभ भी हमें नीचे मिल गए हैं, ऋषभ
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज तो आपने देखा ही होगा जैसे कि मैं इतना भयंकर थक चुकी हूँ। अब जाके मैंने शावर लिया है, सुबह से बस काम काम काम। फिर हम लोग फ्लैट में चले गए। फ्लैट में आने के बाद में भी मैंने खाना बनाया, बर्तन धोए, पट्टी वट्टी साफ की, मैं नहीं हेज़ल को नहलाया, हमारे कपड़े धोए, ऐसे करके बहुत ही टाइम हो गया। बज रहे तीन के आसपास। अब मैंने सोचा है कि मैं कीर्ति और जैश से मिलने जाऊं। तो कीर्ति को मैंने मतलब अचानक से सडन से मुझे याद सी आ रही थी कि घर पे कोई है नहीं, तो मुझे ऐसा लगा यार मतलब एक होता ना मेरा थोड़ा सा उनसे बहुत ही अच्छा अटैचमेंट है मेरी फ्रेंड से, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है उनसे मिलने का। तो मैंने उसको कॉल किया तो जयश्री तो बोल रही कि आ जा, यहीं आ जा, मैं फ्री हूँ। लेकिन कीर्ति अपना फ़ोन नहीं उठा रही है, तो चलो उसके घर ही चलते हैं डायरेक्ट। और मैं हेज़ल को भी अपने साथ ही लेके जा रही हूँ। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आपके लिए डेली व्लॉग्स लेके आप एक दिन छोड़ के एक दिन लेके आऊँगी। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो, या फिर हो सकता है दो तीन दिन भी छोड़ दूँ। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट ऑल्सो। तो चलो चलते हैं। ऋषभ क्या कर रहे हो बेटा? मेरा बैग कहाँ है? ये ला। तो चलो वही काला वाला बैग ले लिया मैंने। और लाइट करी ऑफ और निकलो बाहर, हेज़ल के पास चलते। तो मैंने बैग में डायपर लिया हेज़ल का एक, और लिया है डायपर के साथ उसकी एक दो पैंट लिए और एक टी शर्ट लिए। ये नॉर्मल मैं रखती हूँ, कुछ खिलाना पिलाना उसको हो जाता है तो चलो मैं हेज़ल को ले आती हूँ पापा के रूम से, क्योंकि पापा को थोड़ा सा कम ही पसंद है वीडियोस वगैरह। तो और उधर हेज़ल खेल रही है, तो चलो लेके आती हूँ मैं उसको। हेज़ल सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। और अब हेज़ल पता है हेज़ल की हमेशा बदमाशी रहती है गाड़ी में बैठने के बाद में, कभी की फेंकती है, कभी मेरा पर्स फेंकती है, कभी क्या फेंकती है। इसका वश ना चले वरना मुझे भी फेंक दे ये निकाल के, है ना हेज़ल? बताओ बताओ फ्रेंड्स को, कहाँ फेंकी अपनी चाबी को? हाँ कहाँ फेंकी चाबी? गिरा देना, खो जाएगी तो अपनी ही रह जाएंगे बेटा। ये लो इसको यहाँ रख देते गाड़ी में। नहीं ये देखो गाइस, ये देखो इसकी शैतानी देखो आप, कहीं पे भी रख दो हाथ अपना पहुंचा लेती है। बिट्टू नहीं, हेज़ू व्हाट आर यू डूइंग बेटा? चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय कर दो सबको। नहीं करना, ये मूडी बेटी है मेरी तरह। नहीं नहीं बेटा इसको मत छेड़ी, 4x4 लग जाएगा, मम्मा को ठीक भी नहीं करना था। सो हाय अगेन गाइस, और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ रोड पे क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ रोड पे हेज़ल को लेके बैठी हूँ गाइस। एक्चुअली मैं ना इसके एक्चुअली मैं ना कीर्ति के पास गई थी, और मैंने सोचा फ़ोन उठा दो घर पे तो मिलेगी, लेकिन यार घर पे नहीं थी वो बंदी, पता नहीं कहीं पार्टी इंजॉय कर रही है, और मैं उसको कॉल पे कॉल कर रही हूँ, फ़ोन पिक नहीं कर रही है मेरा। मैं जल्दी मेरे को जैसे का फ़ोन आया कि यार प्लीज़ मिल ले यार, तो मैंने बोला ठीक है, तो मन कर रहा है तो बिट्टू दी से भी मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो उनके पास भी जाने। तो मैंने चला चलो निकलते हैं हेज़ल को लेके, लेकिन जोटवाड़ा से जो चांद बिहारी का रास्ता है ना फ्लाईओवर जैसे हम लोग उतरते हैं, ये देखो ये वाला शनि भगवान का मंदिर है, उसके पास में मेरी बेटी जो मची है भाई इतना रोई है, नहीं मुझे नहीं बैठना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। तो सोने के चक्कर में अभी सो चुकी है गाइस, और मैं इसको बीच रोड के ऊपर लेके बैठी हूँ, और मैं उसको उठा रही हूँ तो अभी ये ऊँ करके रो रही है जोर जोर से, तो मैं उठा नहीं सकती हूँ, मैं इसको वेट करूँगी कि कब उठेगी। तो गाइस आज तेरा गलती हुआ निकलना, और सडन अब कीर्ति का कॉल आया मेरे पास कि कहाँ है, मैं जस्ट घर पे आई हूँ, तो मैंने बोला आजा आजा अभी तो गई नहीं हूँ मैं, आजा। तो वो आ ही रही है रोड के ऊपर, ये रास्ते पे ही है, अभी 5 मिनट पहले बात हुई थी तो निकल गई है घर से, अब उसके भैया के साथ आ रही है वो, तो चलो वेट करते हैं उसका। और हाँ देखो मेरे पास है ना एक चीज़ और लेके आई हूँ आपके लिए, मतलब अब मैं थोड़ा सा फ्री भी हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो जग जाके बातें करते हैं। ये देखो ये कर्टन्स दिख रहे हैं आपको भाई साहब, मैंने इनकी प्राइस पूछी इतनी कम, और पता है हम लोग कहीं बाहर से ले या सिकरा उसमें भी इतनी तगड़ी कम नहीं होगी जितनी यहाँ पे भाई साहब।
और ऐसा भी नहीं कि भाई बुरे हैं या ऐसा कुछ, डिजाइन अच्छी नहीं है, डिजाइन भी बहुत सुंदर सुंदर है और बार्गेनिंग भी हो जाएगी। जैसे 300 का तो भैया बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से 200 का एक दे देंगे, और शायद मेरे हिसाब से अमेजोन पे भी आ ही जाता है इतना सस्ता तो, लेकिन फैब्रिक का नहीं पता चलता है, फैब्रिक का अच्छे से पता चल रहा है। तो हेजल हमारा सो गया है, कीर्ता हमारा आया नहीं अभी तक। गाइस नींद बहुत गंदी आ रही है मुझे, मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ। सो गाइस कीर्ति आ गई और हम लोग निकल चुके हैं हेजल को, कीर्ति ने पकड़ लिया है। और हेजल देखो कितनी सुंदर लग रही है, मासी की गोदी में सोती है, दोनों पिंकी पिंकी बन रहे। तो चलो चलते हैं अब, लेट वैसे भी काफी हो गए, 2 घंटे हो गए मुझे निकले हुए, 3 बजे निकली थी मैं घर से। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे फाइनली और भाभी सा यहीं पे है। तो आज का व्लॉग की एंडिंग मैं करूंगी। आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, वैसे मैंने आगे का व्लॉग नहीं देखा है, वो घर पे जाके देखूंगी। तो आपको भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट। वैसे हमारे तो गुड नाइट है, आपका गुड नाइट है। ये क्यूटू आ गई। हाँ व्लॉग की एंडिंग करो चुपचाप, नहीं करना जीजा की तरह कह रहे की हेलो गाइस चिक्का चिक्का व्लॉग। तो चलो गाइस बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट।